आप सभी को याद होगा कि किस तरह से हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अवैध झुग्गी झोपड़ियों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। अब उन्हीं के आदेश पर गुरुग्राम में सरस्वती कुंज में चला बुलडोजर, जहां हजारों की मात्रा में झुग्गी झोपड़ियों को साफ किया गया। हालांकि डीटीपी आरएस भट्ट के द्वारा कई महीने पहले ही मुनामी करवा दी गई थी, परंतु कार्रवाई पर रोक लगा दिया गया था। कहा कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा था कि कोविड को लेकर और एनजीडी के द्वारा कई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से इस कार्रवाई पर रोक लगी थी, परंतु आज आरएस भट्ट डीटीपी का बुलडोजर चला और वहाँ कई ऐसी अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिसे साफ करवा दिया गया। क्या है पूरा मामला, वहाँ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहाँ हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे लेकर आ गए आपके सामने गुरुग्राम से डीटीपी आरएस भट्ट की तोड़फोड़ की कार्रवाई, जहाँ आज चला पीला पंजा। जी हाँ, बुलडोजर पूरी तरह से अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर चला सरस्वती कुंज में, जहाँ कुछ दिन पहले ही हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि 15,000 झुग्गी झोपड़ियों को सरस्वती कुंज से हटाया जाएगा, जहां 6-7 ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर अवैध झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। वहीं इस पर डीटीपी आरएस भट्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे कई लोग हैं लैंड माफिया के जो इस तरह के अवैध काम कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, गुरुग्राम के लोगों से निवेदन करते हैं, यदि आपको गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाना है तो आपको हमारा साथ देना होगा और इस तरह के अवैध तरीके से जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ दोबारा किसी भी तरह का अवैध काम हो या किसी भी तरह की अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ दोबारा यहाँ पर बिल्ड की जाए। उसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हम और ऐसे प्लान्स लाते रहेंगे जिससे गरीबों का भला हो सके और आम आदमी का भला हो सके। उन्होंने कहा कि हमने जनवास योजना भी निकाली है, उसके बाद हाउस प्लानिंग योजना भी, और ऐसे अन्य कई प्लानिंग्स हम लेकर आएंगे ताकि लोगों को सहूलियत मिलती रहे, परंतु अवैध निर्माण किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इतना ही नहीं ये भी कहा कि आगे आने वाले 10-15 दिन में ऐसी कई कार्रवाई हैं जो गुरुग्राम में देखने को मिलेगी, जहां अलग अलग इलाकों पे बुलडोजर और पीला पंजा चलता हुआ आपको नजर आएगा। और क्या क्या तस्वीरें इसके अंदर निकल कर आई, अब हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमने एज डी टी पी एनफोर्समेंट, मैं यही कहना चाहूँगा कि पीछे 2-3 महीने हमारे ऑनरेबल कोर्ट की कोई डायरेक्शन थी एनजीटी के चलते हुए, कोविड के चलते हुए, कि हम कार्रवाई अभी रोक के रखें। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग हमारा साथ दें, गुरुग्राम को एक स्मार्ट सिटी बनाने में आप सबका साथ हमें चाहिए। लेकिन अतिक्रमण, इलीगल कॉलोनियाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का यही मानना है कि अगर हमने स्टेट को अच्छा बनाना है तो अच्छी प्लानिंग चाहिए, और अच्छी प्लानिंग के लिए कोई भी दुविधा आती है तो हमें बताएं। हमने दीनदयाल जनवास योजना भी ले आए, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी भी ले आए, और सीएम साहब और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ आने वाले समय में लेकर आने वाले हैं। लोगों की ये मंशा थी कि हमें आधे एकड़ के ऊपर कुछ बनाने के लिए पॉलिसी नहीं है, हमें 2,000 गज के ऊपर कुछ बनाने की पॉलिसी नहीं है, हम रेस्टोरेंट की पॉलिसी ले आए, हम क्लबों की पॉलिसी ले आए, हम दीनदयाल जनवास योजना की पॉलिसी ले आए, तो पॉलिसीज़ और भी आ जाएंगी। लेकिन लोगों का साथ ज़रूरी है। देखिए, बुलडोज़र प्लानिंग तभी लगती है जब लोग साथ ना दें या जो माफिया है वो ना सुधरे। तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी लैंड माफिया है ये काम करने बंद कर दें, और ये आगे ऐसे ही हमारी कार्रवाई अगले 15-20 दिन 100% जारी रहेगी, चाहे वो सीलिंग अभियान हो लाइसेंस कॉलोनी में, चाहे इलीगल कॉलोनियाँ बॉन्सी में हो, पटौदी में हो, फारूक नगर में हो, हमने सारी चिन्हित कर रखी हैं और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है। ये सरस्वती कुंज एरिया है, इसमें लगभग 7-8 पॉकेट्स हैं जिसके ऊपर के इलीगल झुग्गियाँ बना रखी थी, और ये पीछे 1,000 झुग्गी हटाई भी गई थी, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी इसको पूरी तरह हटाया जाए, और मेन ये रहता है कि ये लोग दोबारा लगा लेते हैं। इनको कोई ना कोई आश्वासन देता होगा कि जी आप किराया दें और दोबारा लगाएं, वो आश्वासन ही तोड़ने की ज़रूरत है,
और हम इसको आज किसी ना किसी ढंग से ऐसे काम करेंगे कि दोबारा पनपने ना। कि मैं तो ये मानता हूँ कि जी आज जो कार्रवाई हुई है उससे ही वो अपने घर कोई और अच्छा बिजनेस शुरू कर लेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो FIR के अलावा भी बहुत सारे एक्शंस हैं वो लेंगे। हमने कुछ लोगों का नाम तो चिन्हित कर लिया है। अगर दोबारा यहाँ झुग्गी लगी, जिसने भी वो लगवाई, वो अपने आप में उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसे है अभी तक तो क्या है कि जो लोग भी हैं वो इलीगल बैठे हुए हैं, और ये नहीं है कि जी हम कोई पर्टिकुलर एक कैटेगरी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये थी इस वक्त की कार्रवाई जो हम आपके लिए लेकर आए थे गुरुग्राम से, और ऐसी ही तमाम गुरुग्राम की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।